हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बटर स्कॉच केक, जिसको आप बर्थडे पार्टी या किसी ओकेशन पे बना सकते हो। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैं आज एक केक पार्ले जी बिस्किट के साथ बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 पैक पार्ले जी बिस्किट ले लिया है। मैंने यहाँ पे बड़ा वाला पैकिंग लिया है, 10 वाला पैकिंग आता है वो वाला। अब हम इस पैकिंग में से बिस्किट को निकाल लेंगे और मिक्सी जार में डाल के इसको अच्छे से इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। एक पैकिंग से छोटे टुकड़ों में काट के इसको मिक्सी जार में हम इसे चला लेंगे। और ये मैंने पाउडर बना लिया है। अब हम एक बाउल में इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे बिस्किट का पेस्ट तैयार कर लेंगे और बाउल में निकाल लेंगे। और ये मैंने पाउडर बना के रेडी कर लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून चीनी पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और अच्छे से इसकी फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। दूध रूम टेम्परेचर का यूज़ करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और लंप नहीं रहने चाहिए, ऐसा हमें बैटर तैयार करना है। मैंने 1 ग्लास दूध का इसमें यूज़ किया है। अच्छे से इसको फेंट लेंगे और एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये हमारी पेस्ट बन के रेडी हो गई है। अब मैं यहाँ इनो का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हो। इनो डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और ये देखें, हमारा बैटर एकदम फ्लफी हो गया है। अब मैंने पहले से ही केक टिन को ग्रीस करके रख लिया था। अब हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। थोड़ा सा टेप कर देंगे। और मैंने पहले से ही कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी थी। अब हम इसमें केक टिन रख के इसे ढक के हम 10-15 मिनट के लिए इसे इसको बेक करने के लिए रख देंगे। जब तक ये बेक होता है तब तक हम इसका चॉकलेट सिरप तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पे क्रीम ली है। फ्रेश क्रीम घर की ही मैंने यूज़ की है। इसमें मैं चॉकलेट पाउडर का 1 पैक इसमें डाल दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करते और करके इसका एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। लम्फी बैटर हमें तैयार करना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो क्रीम का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे क्रीम नहीं यूज़ कर रही हूँ। और अब हम केक को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए कितनी स्पंजी केक हमारी बन के रेडी हो गई है। चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, चप्पू हमारा क्लीन आ रहा है, इसका मतलब कि हमारी केक अच्छे से बेक हो गई है। अब हम केक को साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। और बटर स्कॉच केक बना रहे हैं तो हम चीनी को पहले 1 कप मैंने चीनी ली है। अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे। लो फ्लेम पे हमें चीनी को ऐसे ही घोलना है, इसमें पानी का यूज़ नहीं करना है। ऐसे ही चलाते जाएंगे और चीनी हमारी मेल्ट होती जाएगी। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक हमें इसे ऐसे ही चलाना है। और ये देखिए, चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है। इसी तरह हमें चलाते रहना है, इसमें इसे छोड़ना नहीं है, वरना साइड साइड में चीनी जल जाएगी तो इसका टेस्ट बहुत ही ख़राब आएगा। और ये चीनी हमारी मेल्ट हो गई। इस टाइम पे आप बटर डाल के इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे बटर नहीं डाल रही। मैं सीधा ही ड्राई फ्रूट इसमें डाल दूँगी और गैस की फ्लेम को बर्न कर दूँगी। और इसको ठंडा होने के लिए साइड में एक प्लेट में ग्रीस की हुई प्लेट में इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब हमने जो केक ठंडा होने के लिए रखा था वो ले लेंगे। साइड की किनारियों से ऐसे गोल गोल घुमा के अब हम केक को
प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी केक हमारी बनके रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी स्पंजी केक बनी है। अब हम इसको गार्निश कर लेंगे। गार्निश आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं यहाँ पे चॉकलेट सिरप और बटर स्कॉच के साथ कर रही हूँ। आप क्रीम के साथ या कोई भी चीज़ के साथ, आप इसको चॉकलेट के साथ, किसी भी के साथ इसको डेकोरेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे चॉकलेट पाउडर का सिरप डाल के इसको डेकोरेट करूँगी। ऐसे इसमें इसका सिरप डाल के अच्छे से सारी साइड में इसको फैला देंगे। अच्छे से इसको हमें सेट करना है। नीचे कोई भी प्लेट रखना है क्योंकि ये सिरप नीचे गिरेगा। अब सारी ओर हमें अच्छे से इसको स्प्रेड कर देना है। गोल गोल घुमाते जाएंगे और सारी ओर हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे चॉकलेट सिरप को। और ये हमारी सारी ओर चॉकलेट सिरप फैला के रेडी हो गई है। अब हम इसको अच्छे से साफ करके साइड में से और फ्रिज में थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि चॉकलेट सिरप अच्छे से सेट हो जाए। अब मैंने थोड़ी देर इसको फ्रिज में रख दिया था। चॉकलेट हमारी अच्छे से सेट हो गई है। अब हमने जो बटर स्कॉच बनाया था उसको हमने अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लिया है। अब मैं इससे ही इसका डेकोरेट करूंगी। इस तरह मैं एक गोल राउंड बना लूंगी। बटरस्कॉच केक बहुत ही टेस्टी लगती है। आइसक्रीम तो हमने बहुत बार खाई है बटरस्कॉच, लेकिन एक बार एक बटरस्कॉच केक बना के ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनती है। और एक ध्यान रखना है कि जब हम भी हमें चीनी को मेल्ट कर रहे हैं तब हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना उसका टेस्ट बहुत ही कड़वा आ जाएगा और बहुत ही ख़राब लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है। और चीनी मेल्ट होते ही आप इसमें बटर का यूज़ कर सकते हो। मैंने बटर नहीं डाला था, डायरेक्ट मैंने ड्राई फ्रूट का ही यूज़ किया था। अब मैं यहाँ पे पर्क चॉकलेट का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी चॉकलेट का यूज़ कर सकते हो डेकोरेशन के लिए। और ये हमारी बटर स्कॉच केक बन के रेडी हो गई है।